Let me begin with a thanks to the college and the department for inviting me. Though there is a little change in the program, but still we will carry on. And this also brings me to a moment which I cherish very much, to be in company with Professor Tripathi, who had been a very knowledgeable person, and I know him since I was a student. He remembered it, but that was his greatness. Right. Can you hear me all? Now, every kind of public exposure makes me a little nervous, even at this age. So, which language would you like to, you know, me to continue, Hindi, English, or mixed? Mixed, okay, thank you. Professor Tripathi hasn't left much for me to talk about on concepts, but I would like to just give an addendum to the concepts as per my own understanding and readings. You know, my background is also diverse, because from industrial psychology via organizational behavior and social psychology to gender, a long journey that has taken place, and from a temporary teacher in BHU to a dean, director in Delhi University, then dean at a private university. So that's a long, what you call wide, varied experience. I thought I would be a discussion, but there is a, change in the program. So let me give a little exposure to the whole notion of globalization as I understand it. Professor Tripathi is absolutely right. Vaishvikaran is not the exact translation of globalization. And I'm also a little confused, because there are multiple terms like globalization, internationalism, multinationalism, then this cross-cultural perspective to the world. All these, there are various, innumerable, bahut sari hai, naam, angrezi mein bhi. Hindi mein toh hum dhoond rahe abhi. Vasudeva Kutumbakam, bahut achha hai, lekin jo term ye globalization aaya hai, उसमें कुटुंब की जगह नहीं है, सर ने पहले ही बोल दिया. इसलिए एक ग्लोबल और लोकल में थोड़ा सा अंतर है. लोकल जो अपना अपना है, आपका अपना है, जिसके साथ आप बहुत परिचित हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, और जैसे हम कहते हैं ग्लोबल, उसी समय आ जाता है, बाप रे क्या होगा, सीमा पार करनी होगी, वीज़ा लेना पड़ेगा, कहीं कहीं नहीं भी लेना पड़ता है, बहुत पैसा लगेगा, और कैसे लोग मिलेंगे, सारे सवाल आ जाते हैं. तो जो मेन बात है कि हम लोग लोकल से ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन आज की दुनिया बदल गई है. अब आपको एक छोटा सा उदाहरण दें कि विश्व यात्रा करना बहुत कठिन नहीं रह गया. जब मैंने एज ए टेम्प्ररी लेक्चरर बीएचयू में स्टार्ट किया था, आप हंसना नहीं, मेरी सैलरी थी 540 रुपए महीने की, और उससे भी कभी कभी हमारा फीस कट जाता था पीएचडी का. उस समय वन वे टिकट टू यूके ब्रिटेन वॉज 3000 रुपीज. सो एक 540 रुपये कमाने वाला सोच भी नहीं सकता कि 3000 रुपया भी एक तरफ की जर्नी. लेकिन आज बहुत मामला
बदल गया है. कमर्शियलाइजेशन जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से हमारी सैलरीज भी, हमारी आमदनी भी थोड़ी बढ़ गई है. और आज के एक लेक्चरर की सैलरी का आधा भी नहीं लगता आने जाने टिकट के लिए यूके का. तो देखिए, ये एक फ़र्क आया है. अब इसको आप पॉजिटिव मांगिए, नेगेटिव मांगिए, जैसा भी, आपकी मर्ज़ी. ये जो आपकी मर्ज़ी वाली बात आई है, ये भी ग्लोबलाइजेशन का ही असर है. क्योंकि पहले पिताजी, दादाजी, माताजी, दादी जी, नानी जी जो कहती थी, सुनना पड़ता था, कोई और ऑप्शन नहीं था. आज आप बच्चों, आपके पास बहुत ऑप्शन है और उसका पूरा सदुपयोग आप करते हैं, है ना? नहीं, हम उसको दुरुपयोग नहीं कहेंगे, बुरा लगेगा इनको. हम लोग हमारे जैसे ये जनरेशन वाले दुरुपयोग देखते हैं, लेकिन उनके लिए तो बहुत अच्छा है. देखिए, आज अपनी एक्सपीरियंस बताऊं मैं. यहाँ जब मैंने गूगल मैप से देखा तो था कि 60 मिनट्स एक घंटे में पहुँच जाएंगे. बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, मैप है. अब उस मैप ने मेरे को इतना घुमाया कि मुझे 1.5 घंटा लग गया. पहले का ज़माना होता तो हम हर दुकानदार से पूछते पूछते पहुँच जाते टाइम से, शायद 10 मिनट लेट होते और क्या. तो एक जो इम्पैक्ट है, यही आपका चैलेंज है एज अ साइकोलॉजिस्ट, कि ये जो इम्पैक्ट है आपको किस दिशा में ले जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग, विच डायरेक्शन, व्हाट इज़ योर गोल. कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की कि ग्लोबल और लोकल को करीब लाया जाए, तो क्या बना दिया पता है आप लोगों को? ग्लोकल. हाँ, जिसका कोई अर्थ नहीं है. मैंने ढूंढा डिक्शनरी में, ढूंढा गूगल पे, ढूंढा, ग्लोकल नहीं मिला भाई. क्योंकि ऐसा अभी शब्द यूज़ में तो करते हैं और पर विदेश में भी नहीं करते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन का मनोवैज्ञानिक पहलू से अगर आप देखें तो एक सीमाहीन अनंत यात्रा पे आपको ले जाती है. और साथ ही में एज़ पर योर कैपेसिटी, एज़ पर योर कॉम्पिटेंस, एज़ पर योर अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन, आप अपना डायरेक्शन चुनना संभव कर सकते हैं. ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से थोड़ी ईजी हो गई है, है ना? तो इस ईजी पैटर्न को अब आपको, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ईजी पैटर्न को आप नेगेटिविटी की तरफ ले जाएं या पॉजिटिव आस्पेक्ट्स की तरफ ले जाएं. ये आपका, आप पे बहुत कुछ, आपकी इच्छाओं पे, आपकी कामनाओं पे, आपकी विशेषताओं पे बहुत कुछ डिपेंड करता था. पहले जैसा ज़माना नहीं रहा कि स्कूल में जाना, फिर कॉलेज में जाना, फिर यूनिवर्सिटी में जाना, डिग्री लेना, पीएचडी करना, नौकरी करना, एक बधा बधाया रास्ता था. अब आपके पास कई रास्ते हैं. ये है डाइवर्सिटी. साइकोलॉजी में पहले बच्चे नहीं आते थे, बहुत कम. अब सुनते हैं कि एडमिशन नहीं मिलता. क्यों? कुछ अपने आप से ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा. और आपको हमारी तरह कठिनाइयों को, उसको हमने लर्निंग की तरह लिया, लेकिन अब आपके लिए बहुत कठिनाई हो गई. उस समय ये जर्नल्स नहीं थे जब मैं पीएचडी कर रही थी. अब हम लोग रात रात बैठते थे लाइब्रेरी में, जर्नल से उतारते थे, लिखते थे, घर आके पढ़ते थे, इस प्रोसेस में सीख जाते थे. अब आप लोगों के साथ क्या चैलेंज है? हम चैलेंज पे पहले जा रहे हैं.
वो है कि आपको बड़ी निश्चिंतता है. पहले देखते थे फोटोकॉपी करा रहे हैं, अब कह रहे हैं सब गूगल पे है, फोटो खींच लेते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है. अब उस फोटो को खींच के फिर आप क्या करते हो? हाँ, उस कंजूस की तरह धन का इकट्ठा करते हैं जिसपे शायद कभी मकड़ी का जाल भी लग जाए और आपको पता भी नहीं लगे. ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट जो मुझे दिखता है कि ये हमें ऐसी एबंडेंसी समझते हैं ना, प्रचुरता में ला दिया है जिसमें हम खुद को रिडंडेंट मानते हैं. अपनी कोई अस्मिता रह नहीं गई है. ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा असर है. क्यों, आपको एक साधारण उदाहरण देके बताऊं. अब हाल में ही आपने पेपर में भी पढ़ा होगा या न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ में देखा होगा, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को क्योंकि ट्रैफिक रूल्स और फाइन बहुत बढ़ गए हैं. यही दिल्ली वाले जब विदेश में जाके ड्राइविंग करते हैं, हिम्मत है उनको एक भी रूल तोड़ने की? वहाँ कैसे आ जाती है साहब डिसिप्लिन? वही जो आइडेंटिटी की बात प्रोफेसर त्रिपाठी ने कही थी, उसकी बड़ी कमी है आज के ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में. आपकी आइडेंटिटी गई कहाँ? इसको आपको ढूंढना होगा, हम नहीं ढूंढ के देंगे, कोई नहीं ढूंढ के देगा. थोड़ी सी जो बहुत पहले कह गए साइकोलॉजिकल मेथड्स में इंट्रोस्पेक्शन, आजकल बहुत पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं, अरे भाई सब कुछ इंट्रोस्पेक्शन पे ही डिपेंड करता है. आप अपने बारे में सोचिए, अपनी योग्यताओं के बारे में सोचिए, आप क्या कर सकते हैं एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज फीजिबल एंड व्हाट इज डिजायरेबल एज पर योर ओन इवैल्यूएशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. दिस इज इंट्रोस्पेक्शन. द फेमस मेथड ऑफ साइकोलॉजी which was a compulsory thing during our days of experimental learning, subject से introspection लिखवाओ. और subject कहता था मुझे पता नहीं क्या लिखना है, लेकिन वो एक हंसने वाली चीज़ नहीं है. This is a very important thing in today's life when you are faced with diverse challenges, diverse opportunities, diverse resources, and there is no end to that. Whether it is Ash, whether it is Bandura or anybody, look at the availability of the resources that are there and you have that facility for choosing from them. We did not have it. Whatever was told. And in one way it was good because we learned, and we learned with heart and soul. Here, due to this diversity, unfortunately, flippancy has come in. People are not able to concentrate. So, another challenge for you, the budding psychologists, is to recognize this flippancy and bring it to the mainstream by concentrating, by understanding what is feasible, what is possible at a given point of time, and what is not, may be kept in abeyance for future. So that understanding through introspection, through observation, through verification, various methodologies that you have at your fingertips, those are going to be helpful to you. Now, I would like to talk a little about
diversity, which is very close to my heart. And the meaning has to be, you know, put across. The diversity is not having multiple choices, or diversity is not change. Diversity is recognizing the possibilities maybe in one direction, a range of availability, range of alternatives, and you have the choice to decide which is acceptable and which you cannot take for the time being. But you can keep it in abeyance. This is where, from a psychologist's point of view, you have to spread the message of acceptance and respect. This acceptance and respect will start at your home. Pehle apne ko accept kijiye, apne ko respect kijiye, then extend that acceptance and respect to others. So basically, the diversity is like fostering tolerance for different perspectives, different aspects, different alternatives. This whole thing leads to capacity building, which is now the talk of the day today. But before we go into capacity building, pehle aapko apni aur dusron ke liye sahanshilta ka sandesh bahut zaruri hai, apne liye to bahut zyada zaruri hai. Phir jo globalization ko aaj hum nakar nahi sakte, jaise sir ne kaha ki ab aapke paas McDonald's hai, bahut sare alternatives hain, और चांदनी चौक का पराठा गली भी है, चाट पकौड़े वाले भी हैं. जो बहुत इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही वो थी कि स्टैंडर्डाइजेशन. अब आप मैकडोनल्ड में जाएंगे तो स्टैंडर्ड बर्गर ही मिलेगा, लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट आप सोचिए कि क्या ये स्टैंडर्ड, क्या यह एक रूपता जिंदगी में मोनोटनी नहीं ला देती? है कि नहीं? अब हम ये नहीं कह रहे कि पराठे वाली गली का ही पराठा बहुत अच्छा है, लेकिन एक चेंज मिलता है और एक पॉसिबिलिटी, क्योंकि डाइवर्सिटी जो है इस ओपनिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड रिकॉग्नाइजिंग दोज पॉसिबिलिटीज. बेसिकली इन वन phrase, it is celebrating interdependence. I hope you understand the gravity of this phrase, celebrating interdependence. Aapko ye sikhayega ke depend mat karna kisi pe. Swambhu ho jao. Ho sakte ho? Kabhi nahi. Aaj ka zamana ye hai ki chalne ke liye डीटीसी बस की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास कार ड्राइवर है तो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, कार खुद ड्राइव कर रहे हो तो कार के मैकेनिक और उसकी संपूर्णता उस पर डिपेंड करना पड़ेगा, तो डिपेंडेंसी तो रहेगी. हमें अमेरिका की ओर देखना पड़ता है फ्रूट्स एंड नट्स के लिए, चाइना की तरफ देखना पड़ता है ज़िंदगी की हर ज़रूरत के लिए, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं. यही हमारी इनटॉलरेंस, जो हमने शुरू में कहा कि टॉलरेंस को आपको डेवलप करना पड़ेगा, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग इन्फीरियर, बट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड देन रेस्पेक्टिंग इट इन योर ओन स्फीयर. सो यू मेंटेन योर आइडेंटिटी, you know what you are doing, and you are
learning at every moment. This is the basic learning, basic kya kehte principle of diversity management. Every day we learn. Okay? And this is in learning. Educationists will not be able to tell you much. You psychologists are better equipped because you know about learning, its principles, you know about motivation, you know very well that you can take the horse to the water but can't make it drink. Okay, so these are the issues, these are the possibilities that one has to learn through the different understanding of your diversity issues. The other important aspect because of globalization around diversity is that we have now developed multiple ways of knowing. So knowledge is just not Webster dictionary. Knowledge is yours, your personal asset. So this globalization, thanks to computers, thanks to smartphones, thanks to multiple things, which are applicable at every juncture of your life. Now life is not very convenient without that. So we accept it. This is the enhancing. This is for our advantage only. That we now have multiple ways of knowing and we can decide. You know who is the most powerful person? The one who can decide. Now this multiple way of knowing and deciding makes you empowered, very powerful. That is one challenge that you need to understand, you need to propagate for others as well as for yourself. How much time do I have? Okay. Now, the advantage that I see of globalization is that it has given a chance to be diverse. It's not that I'm not saying ki hum pehle diverse nahi the. पर डाइवर्स होना अपने आप में कभी कभी श्राप बन जाता है. आप लोगों को पता ही होगा हमारा कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, ये बड़ा डिफाइंड हो गया है. और जहाँ कुछ भी बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में आने लगता है वो रिजिडिटी को पैदा करता है, डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है. जब तक हम इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ऑल दीज आर मेंटल सोशल, अनलेस अंटिल वी आर अलर्ट दैट वी डोंट लेट एनीबडी और एनीथिंग बिकम टू रिजिड दैट वी कैन नॉट ब्रेक द बाउंड्रीज देयर, दैट पावर इज गिवन टू अस बाय लर्निंग आवर सोशल साइंसेस, आवर सब्जेक्ट इज अ वेरी एनरिच्ड एंड एन एक्सलेंट subject, and you people, I really congratulate you to be, you know, in the era where you are exposed to so many varieties and so many diverse aspects. We had fixed things, we learned them by heart, but here one thing that you will be missing, that learning by heart is a difficult ball game altogether. So one needs to make a balance and keep on, you know, going on that string, walking on the string. And you know, how do we balance our own life, ourselves, so that we are able to build a nation. Psychologists are nation builders. They are not only, we are not no more limited to individualistic perspective. We are nation builders. And if you understand that part, that is going to be a great thing and great, you can say, achievement of the subject as well as yours. So
हियर दिस इज नॉट अ प्रवचन. जो मेन चीज़ आपको करना होगा कि जो डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर्स हैं और जो कि रिजिडिटी से बाउंड है उनको समझिए, उसका संदेश पहुँचाइए और उसको कम करने की कोशिश कीजिए. दूर तो नहीं कर सकते पर कम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने फ्रेंड्स की, अपने सहपाठियों, अपने फैमिली की ज़िंदगी से उसको कम तो कर ही सकते हैं. तो जो चीज़ आपको अब करना होगा वो है कि अपने परसेप्शन को बदलना होगा. आप भी जो भी चीज़ें देखते हैं, डोंट टेक इट एज इट इज़ और एज इट इज़ गिवन, टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आप लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस जो मेरी इस 44 years, 45 years ऑफ टीचिंग में हुई है वो कि आप लोगों ने अपना क्वेश्चनिंग माइंड नहीं तैयार किया. क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नहीं कर सकते. सिर्फ क्या कर सकते हैं कि ये कोर्स में नहीं था, एक रिजिड बाउंड्री में नहीं था, तो आप नाराज़ हो जाते हैं. अगर क्लास में ही आप क्वेश्चनिंग माइंड, मुझे पता है कई टीचर्स इसको वेलकम नहीं करते हैं, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए, धीरे धीरे वो भी वेलकम करेंगे. बिकॉज देयर वाइल टीचिंग आई लर्न मोर देन थ्रू माई स्टडीज, राइट. सो दिस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लर्निंग एंड द लर्नर हैज टू बी यू नो टेकन केयर ऑफ, मैनेज्ड इन ए फीजिबल मैनर टू द एक्सटेंट पॉसिबल. एंड हर समय आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि एट दिस मोमेंट क्या किया जा सकता है और फ्यूचर के लिए आप क्या देख सकते हैं. फिर एक चीज़ जो चैलेंज में आता है वो है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. आपको मैं बहुत ब्रीफ में बताती हूँ कि हम इस डाइवर्सिटी के मामले में इंस्टीट्यूशन तीन तरह के होते हैं जनरली जो बताया गया. कई तरह के होते हैं पर अभी आपके काम के लिए तीन तरह के बात बताएंगे. जो एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि रेगुलेशन, रूल्स, लॉज, ये एक रेस्ट्रिक्टिव वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये नहीं कि ये बहुत रिजिड है, हर समय चेंजेस आर ब्रॉट इन. एंड द लेटेस्ट एग्जांपल इज़ द ट्रिपल तलाक बिल. ये चेंज होता रहता है. एक ये इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेटिव है. दूसरे तरह का जो इंस्टीट्यूशन है वो नॉर्मेटिव है जिसमें सोशल प्रोफेशनल जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ये सारी बहुत सारी आती हैं, एनजीओज हैं, ये हमारी लाइफ को एक नॉर्म प्रदान करती है फॉर द टाइम बीइंग. दैट नॉर्म शुड नॉट, मस्ट नॉट रिमेन स्टैटिक फॉर एवर. प्लीज़ रिमेंबर दैट वॉट एवर इज़ ट्रू टुडे मे नॉट बी ट्रू टुमोरो, राइट. चंदा मामा की कहानियाँ तो बचपन में पढ़ी होगी, अब चंदा मामा को छूके भी आ गए. तो ये चेंजेस जो है ये नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि नॉर्म्स को आप इतनी जल्दी जल्दी चेंज करें कि सोसाइटी में पूरा टर्मोइल आ जाए. अनलेस अनटिल दैट इज़ नीडेड फॉर द सोसाइटी. एंड द थर्ड इज़ द कॉग्निटिव, कॉग्निटिव इंस्टीट्यूशंस जहाँ की कल्चर और एथिक्स की बात करती है. मैं इसलिए इस चीज़ को लाना चाहती हूँ आपके सामने क्योंकि डाइवर्सिटी बिना एथिक्स के रह नहीं सकती. एथिक्स एंड मोरालिटी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हैंडलिंग, मैनेजिंग डाइवर्सिटी, राइट. तो इस तरह तीन तरह के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हमने हमेशा एक सवाल किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो था कि हम लॉ डिपार्टमेंट में जाके साइकोलॉजिस्ट क्यों नहीं पढ़ा सकता है.
जिसको आज तक किसी ने हल नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि लीगल मैटर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी जो हम साइकोलॉजिस्ट सिखाते हैं, डाइवर्सिटी जो हम साइकोलॉजिस्ट सिखाते हैं, वो नहीं होता है. तो ये सवाल आज भी अधूरा है. आज भी हालांकि मैंने देखा है अब जर्नल्स भी आने लगे हैं, बट ऑल दोज आर वेस्टर्न जर्नल्स. हमारे हिंदुस्तान में अभी भी कुछ नहीं हुआ है इस दिशा में. लीगैलिटी को एक पिंजड़े में बंद करके रखा गया है जो कि अस्पृश्य है, हम नहीं छू सकते उसको. ये बात होनी नहीं चाहिए. तो चाहिए और नहीं चाहिए के बीच की जो दूरी है वो आपको समझना पड़ेगा खुद, और समझाना पड़ेगा. और डाइवर्सिटी का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है जो मैं फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव पाती हूँ, और अक्सर जो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती हूँ वो भी कर रही हूँ, झेलती हूँ. ठीक है, अभी प्रोफेसर त्रिपाठी ने जेंडर की बात की, तो जेंडर अब बाइनरी में नहीं रह गया है, मेल और फीमेल, ये एक रेंज बन गया है. इसकी एक्सेप्टेंस कहाँ है? नहीं है सोसाइटी में, आप लोगों को भी नहीं है, वेरी अनफॉर्चुनेट. तो जो स्टीरियोटाइप है, डाइवर्सिटी गोज अगेंस्ट इट. इफ यू आर सेंसिटिव टू डाइवर्सिटी, इट विल नेचुरली टेक केयर ऑफ एथनोसेंट्रिज्म, इट विल टेक केयर ऑफ स्टीरियोटाइप एंड ऑल दीज नेगेटिविटीज विच क्रिएट अ डॉर्मेंट स्टेट इन ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो बिकम ए बैरियर टू ग्रोथ. एंड दो आई डील विद जेंडर डाइवर्सिटी, बट देर इज इन टाइम, मे बी सम अदर डे. वन थिंग इन ब्रीफ आई वुड लाइक टू टेल यू, साइकोलॉजी जो है जिसमें लड़कियां ज़्यादा पढ़ने आती हैं, यहाँ भी संख्या में देख रही हूँ लड़कियों की ही ज़्यादा है, हाँ, लेकिन मुझे गिना दीजिए फीमेल साइकोलॉजिस्ट जो वेल नोन हो इंडिया में, है कोई? ये एक पैराडॉक्स है, छोड़िए मुझे, मैं वेल नोन भी नहीं हूँ और इतनी महान भी नहीं हूँ जितने आप हैं. चलिए कोई बात नहीं. तो क्यों? ये नहीं कि कोई सोशल रूल है, कोई सोशल नॉर्म है, पर प्रॉब्लम है कि जो लोगों की परसेप्शन, जिसकी बात मैंने कही, परसेप्शन है कि साइकोलॉजी बड़ा सॉफ्ट सब्जेक्ट है, पढ़ने के लिए लड़कियों के लिए, और पढ़ाने के लिए क्योंकि मास्टर को स्ट्रिक्ट होना चाहिए लड़के पढ़ाएं. ठीक है, हाँ, वो सब कहाँ जा सकती हैं, काउंसलर थोड़ी बहुत बन जाती हैं. ये धारणा आपको तोड़ना होगा. हम नहीं तोड़ पाए, पर हम, मेरी बहुत दिली आकांक्षा है कि आप तोड़ दें इसको, क्योंकि विदेश में जब जाती हूँ वहाँ जो टीचर्स हैं मेल फीमेल का अच्छा रेशियो है. आई वोंट कॉल इट 50-50, बट देर आर लॉट्स ऑफ वीमेन हु आर रिकग्नाइज्ड, हु आर अप्रिशिएटेड. दे हैव फॉट देयर बैटल्स. इट्स नॉट दैट इट वॉज अ स्मूथ जर्नी, नाइदर इट वॉज फॉर मी अ स्मूथ जर्नी. दैट पार्ट आई होप विद अ चेंज पर्सपेक्टिव, विथ योर चेंज अप्रोच टू डाइवर्सिटी, यू विल बी एबल टू विन ओवर and be the victor not over male population but over this subject, over its application, over its acceptance as a subject which should be made available to everybody. And I won't call it a compulsory thing, but you know,
In UK, there is a rule that every lab should have a counselor, psychologist. Every school, every system should have a psychologist. Doesn't say male or female, but it is there. But we don't have it. We have just icons like Indira Gandhi, or abhi shayad aap, main bhi bhul gayi hu naam president ka jo female president bani thi. हाँ प्रतिभा जी एक 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 आइकन बना लेते हैं और उसी से बहुत संतुष्टि लाभ करते हैं और अपने दिल को तसल्ली देते रहते हैं. ये डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी का एक मजाक है. तो मैं और समय नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पता है अटेंशन स्पान 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होता. तो इसलिए आपके जो भी सवाल हैं और जो सर के कमेंट्स हैं वो आप सुनिए और पूछिए. मोस्ट वेलकम. Thank you.